शिवलिंग के सामने सीधे शिव भगवान की मूर्ति है और जस्ट उसी के सामने झरना, झरने के सामने सीधा मंदिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो अभी मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी, क्योंकि आज है, आज बजरिया सरेंगी, आज मतलब वही बुजरिया जो हम लोग बहते हैं वो आज सरेंगी। तो बिल्कुल मैंने शाम को ही ब्लॉग स्टार्ट किया कि मैंने सोचा मैं शाम को एकदम स्टार्ट करूंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आपके पास में बहुत ही यहाँ का डबरा का प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर और नवग्रह मंदिर, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉगों में भी दिखाया था। तो अभी चलते हैं बिना किसी बकवास किए, क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं, शाम हो चुकी है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। पकड़े रहना इसको, तुम इस तरह पा जाओ तुम गिर जाओगी। देख लो परी गिर जाएगी, परी उधम नहीं करो, उधम नहीं करो। आओ मम्मी आओ, यहाँ पर दुब रहे हैं अपन, बड़ी आ रहा है घर पर धो ले लो सब जने। याद याद चढ़ाई जाती है मंदिर में, चढ़ाई जाती है कैसे सभी को दी जाती है। आ जाओ
ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे पीछे पीछे वीडियो में क्या ये पहले बना नहीं था यहाँ पर सरोवर भी स्टार्ट हो गया ना उसे पानी वानी भर गया सरोवर में इतनी भीड़ है भाई आज तो वैसे नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं होती है ना देखो कितना प्यारा लग रहा है पैसा भी है पूरा दिन कितना सुंदर लग रहा है आप अगर आपने मथुरा में प्रेम मंदिर देखा है तो उसी की कॉपी बनी हुई है बहुत सुंदर है बस अंदर जाना और अलाउड हो जाए वैसे भी ये ग्रहों के हिसाब से बस सूर्यास्त होने के बाद नहीं जाना पहले वैसे भी सूर्यास्त के बाद दर्शन नहीं होंगे कितना बढ़िया और शिव जी यहाँ पे थोड़ी वीडियोस वगैरह करवाएंगे इंस्टाग्राम के लिए वो ई भी चालू हो गया है उसके अंदर जाना गेट चालू है गेट है वो मेन गेट अच्छा मेन गेट है ये अपन लोग उल्टे रास्ते से आते हैं वो उधर से भी पहले इधर से भी है और उधर सामने से भी है अच्छा तीन तीन है एक दो तीन चार गेट है सबसे बड़ा गेट ये हाँ ये देखो कितना प्यारा लग रहा है जानना बरसा ऐसा लग रहा है इसके नीचे जाके बैठ जाओ हाँ बरसा तो जो कोई मुझे भी ग्वालियर से देखता है ना तो प्लीज आप लोग वेट मत करो बिल्कुल पास में इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है आप आओ और दर्शन देखो यहाँ पे बहुत सुंदर लोकेशन बहुत मस्त बन चुका है अब हमारा दूर से कितना मस्त लग रहा है ना बहुत बड़ा मंदिर है ये कितनी वहां से लेके देखो कितना बड़ा है पूरा ये देखो ये अभी तो यहाँ पर भी पानी चालू होगा जो शिव जी के ऊपर शायद है ना झरना वगैरह लग ये शिवलिंग रखी है शिवलिंग के सामने सीधे शिव भगवान की मूर्ति है और जस्ट उसी के सामने झरना झरने के सामने सीधा मंदिर है मतलब इतना बेहतरीन बना है ना कि कुछ कह नहीं सकते हाँ अभी बनेगा ये पूरा इसके इससे भगवान के ऊपर से झरना अभी हम लोग चल रहे हैं सरोवर देखने मैं ना कभी एकदम फुर्सत में आऊंगी क्योंकि और भी इसमें चालू होना है थोड़ा बहुत चालू और हो जाए बिल्कुल पूरी तरह एकदम सब फिर बढ़िया मस्त ब्लॉग बनाने में मजा आएगा कि अंदर भी आपको दर्शन कराओ बाहर भी और जो लोग चलो अभी आपको और दिखाते हैं उधर जाके सरोवर बना है वहाँ पे और इधर से इसके तीन चार तो गेट ही है बना हुआ है मेन गेट और एक गेट उस साइड के लिए और एक उधर है तीन चार गेट बने हुए हैं और हम लोग आए थे उधर से जो लक्ष्मी नारायण मंदिर था उसके वहाँ से ही रास्ता है तो हम लोग शॉर्टकट से आए थे तो चलते हैं क्या क्या नकली ये भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है ना ये रहा अभी सब पानी कहाँ भरा है कछुआ है ना कि
पन्ने हैं? कश्मीरी होंगे। कीड़े भी हैं? कैसे? देखे थे हमने एक सांप। ये देखो अभी ये भी बहुत सुंदर तरीके से बनेगा, मतलब ये अनकम्प्लीट धीरे धीरे चल रहा है इसमें काम, पूरा भर जाएगा ना जब भरेगा तब। देखो ये इसका, ये नवग्रह सरोवर बारिश भर भी कर दीदी ने बिल्कुल नहीं लिए, मैंने नहीं लिए, वही संभालते, इसीलिए तो उसका एक्सपीरियंस है बच्चे संभालने का। देखो शाम के टाइम अच्छा लगता है, लाइट वगैरह अब बंद हो गई है। तो कितना मस्त लग रहा है ना मंदिर पूरा एकदम, और इसमें ना इतनी बारीकी से, इतना बारीकी से इसमें डिजाइन किया गया है ना, बहुत ही बारीकी से सारे भगवान सारे सब कुछ मंदिर के, मंदिर में डिजाइन करे हैं पत्थरों से। तो कैसा लगा आप सबको हमारे डबरा का मंदिर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सभी को। और चलो चलते हैं, रात भी हो गई है काफी। हाँ वीडियो बन रही है अभी इंस्टाग्राम के लिए। नानी को परेशान करता होगा तभी कह रही है। नहीं वो तो सीधा है, सही में वो नहीं करता परेशान। चल रहा है मेरे साथ में, चलो चल रहा है मेरे साथ ग्वालियर। चलो काना, काना देख रहा है तू, चलो।